हेलो दोस्तों, नमस्ते। हम लाए हैं नई वीडियो। जैसे पिछली बार हमने एक वीडियो बनाया था हबल पल्स 06 मीटर के बारे में, टाइम के बारे में बताया था हमने। आज हम लेकर आए हैं न्यू वीडियो हबल GPS 012। ये मीटर ऑटो में लगता है। इस मीटर के फायदे ऑटो ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के बारे में आपको बताऊंगा। ये है हबल GPS 012। इसमें GPS वगैरह भी है और ये ₹30 से डाउन है, ऑटो में लगता है। ये दिन में का टाइम है। इसमें एक किलोमीटर में ₹9.50, एक किलोमीटर में ₹9.50 होते हैं। एक किलोमीटर 500 मीटर यानी 1.5 किलोमीटर तक ये फ्री रहता है। दिल्ली गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है। वेटिंग पॉइंट इसका 75 पैसे, एक मिनट में 75 पैसे बढ़ेंगे। अभी हमने गाड़ी स्टार्ट की है, ये गाड़ी हमारी चलने लगी है। 1.5 किलोमीटर तक ये फ्री रहेगा। 1.5 किलोमीटर होने पे ₹1.10 इसमें आ जाएंगे। ये 5 पॉइंट हो गए हैं, ये गाड़ी चल रही है। ये फ्री था इस टाइम, और जैसे 6 पॉइंट होंगे या 1.10 रुपये बढ़ जाएंगे, ऐसे ये बढ़ते रहेंगे। ये इसलिए बताया है, ज़्यादातर ऑटो ड्राइवर कहते हैं कि पैसेंजर जितने भी आते हैं मीटर से नहीं बैठते हैं, पैसेंजर मीटर से बैठेंगे। उनका बेनिफिट ये है कि एक तो कम पैसे लगेंगे, दूसरे ड्राइवर के ऊपर क्लेम नहीं आएगा जो ज़्यादा पैसे बताता है। वो ज़्यादा पैसे बताता है, ये भी नहीं आएगा। अब इसका हम वेटिंग चेक कर देते हैं। जैसे ये 57 मिनट हो गए हैं, 57 सेकंड, उन 1 मिनट के बाद ये 75 पैसे बढ़ गए हैं। इसमें हर 1 मिनट पे 75 पैसे वेटिंग है। ये डे का है। ये इसी तरह से कहीं भी आप जाओगे कम से कम रेट में पड़ेगा। जो ऑटो वाला आपको ₹200 ₹300 कहीं बता देता है, वो भी नहीं बताएगा। आप लोग मीटर से चलें। ये था दिन का, मैं आपको रात के बारे में बताता हूँ। रात में 25% मीटर में ऐड हो जाता है। इसमें लिखा रहता है फेयर इंक्लूड नाइट चार्ज एंड वेटिंग चार्ज। यार जैसा कि हमने आपको बताया था वीडियो शुरू करने से पहले कि आज हम पैसेंजर के बेनिफिट क्या है पैसेंजर को इस मीटर से जाने के, फेयर मीटर से जाने के। तो पैसेंजर को ये सबसे बड़ा बेनिफिट तो यह है कि वो ऑटो वाले से झिक नहीं करनी पड़ेगी उसे कि भाई मैं वहाँ जा रहा हूँ 200 ले रहा, 300 ले रहा, 250 ले रहा। जो अकॉर्डिंग आपके किलोमीटर जितना आएंगे उसके अकॉर्डिंग ही आपको पैसे देने हैं। लास्ट में आपको उससे स्लिप लेनी है। स्लिप पे भी लिखा रहता है कि आपने वेटिंग कितनी की है, किलोमीटर आपके कितने चले हैं। इससे ड्राइवर आपको स्लिप निकाल के दे देगा, आपने 10 किलोमीटर चले हैं तो उसका आपको पैसे बन जाएंगे। ऐसे आपको ड्राइवर ज़्यादा पैसे भी नहीं बताता है। तो एक तो सबसे बड़ा सेफ फ़ायदा आपका ये है। नेक्स्ट अभी मैं थोड़ी देर बाद अभी अब नाइट जब चार्ज दिखाऊंगा मीटर का, उसके बाद में आपको ड्राइवर के फायदे बताऊंगा मैं। अभी नाइट मीटर के बारे में दिखाता हूँ। हमने आपको बताया था डे यानी दिन के बारे में मीटर की डाउनिंग क्या थी या उसके किलोमीटर क्या थे, वेटिंग वगैरह क्या थी। अब ये नाइट में यानी रात में ₹37.50 यानी 25% बढ़ जाता है। जैसे इसमें पहले ₹30 था, अब ये ₹7.50 बढ़ गया, 25% बढ़ जाता है। ऐसे ही इसमें किलोमीटर में पैसे बढ़ेंगे और वेटिंग में भी पैसे बढ़ेंगे। अब हमने 1.5 किलोमीटर चलाया तो पहले डे वाला, अब इसमें भी 1.5 किलोमीटर तक फ्री है। अब ये गाड़ी चलाते हैं 1.5 किलोमीटर हम। ये ₹37 से गाड़ी हमारी जो स्टार आता है, समझे ये हमारा व्हील चल रहा है। एक पॉइंट, दो पॉइंट, ये पॉइंट आने शुरू हो गए हैं। ये दो पॉइंट, थ्री पॉइंट, अब जैसे ये 4 पॉइंट, ये जैसे 1.5 किलोमीटर आएगा तो यहाँ कुछ नहीं बढ़ेगा,
एक किलोमीटर 6 पॉइंट होते ही यहाँ पैसे बढ़ जाएंगे, ये 8.9 पॉइंट इसमें लिखा भी रहता है, देखो फेयर इंक्लूड नाइट चार्ज एंड वेटिंग चार्ज। ये गवर्नमेंट सपोर्ट है, सील भी लगी रहती है, ये सील नहीं बढ़े अभी 16 होता ही 38 रुपये 37 पैसे हो गए हैं। वैसे वेटिंग में हम इसे गाड़ी स्टॉप कर देते हैं, वेटिंग में ये पहले डे में 75 पैसे थे, अब ये नाइट में 1 मिनट में 93 पैसे पड़ेंगे। ये सेकंड आ रहे हैं 17 सेकंड 18 सेकंड 19 सेकंड, ऊपर भी टाइम आता रहता है, ये नाइट का ही दिखा रहा है, जैसे 1:25 19 सेकंड 20:03 जैसे ये 36 सेकंड हो गए, 1 मिनट होते ही यहाँ 93 पैसे बढ़ जाएंगे। ये हो गए 46 47 50 51, उनसठ, 93 पैसे ये बढ़ गए हैं। अब आपको स्लिप लेनी है, स्लिप के बारे में बताता हूँ, स्लिप कैसे आप हर ड्राइवर से स्लिप वगैरह ले, स्लिप निकालेंगे स्टार्ट एंड वेकेंड, ये प्रिंट, ये स्लिप आ गई है, इसमें वेटिंग टाइम, किलोमीटर कितना चलो, टैक्सी नंबर सब होता है इसके अंदर, आप इसको ले सकते हैं स्लिप को, आप ये स्लिप ने बताया था आपको पैसेंजर के क्या फायदे हैं, अब मैं बताता हूँ ड्राइवर के फायदे। जैसे पैसेंजर आया उसने अपना मीटर डॉन किया तो बैठ गया, अब उनसे उससे पूछने की जरूरत नहीं कुछ रही है ना, वैसे झिकझिक होगी कि भाई आपने 8 किलोमीटर के मुझसे 20 रुपये ले लिए, 50 रुपये ले लिए, 100 रुपये ले लिए, जितना ये दिखाएगा 9 रुपये 50 पैसे 1 किलोमीटर के हैं, वो जितना किलोमीटर होगा, आज के सबके पास मोबाइल होता है, अपनी ऐप होती है, मोबाइल में देख ले कितना किलोमीटर चलाऊँ मैं, उसके हिसाब से सेम पैसे जितना किलोमीटर होगा उतने पैसे बढ़ेंगे, तो ड्राइवर उससे सेफ रहेगा, कोई ड्राइवर कोई परेशानी नहीं देगी, छिक-छिक नहीं देगी, बहुत अच्छा है, मीटर से चले, ड्राइवर सुरक्षित है, पैसेंजर भी सुरक्षित है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।